हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, राजस्थान CHO का पेपर पर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया है? बहुत ही अचंभे की बात है कि 19 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। आखिर क्या कारण है? पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा? अभी तक सारा कुछ जो है सस्पेंस चल रहा है। जैसा कभी कभी बीच में न्यूज़ आती है कि हाँ ऐसा लगता है कि हाँ पेपर रद्द नहीं होगा, बीच बीच में फिर ऐसी न्यूज़ आती है कि हाँ पेपर रद्द होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक शेयर करते हैं और देखिए क्या कारण है इतना लेट होने का। तो क्या कारण हो सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कि दोस्तों, राजस्थान CHO का पेपर लीक होगा कि लीक हुआ था कि नहीं हुआ वो तो आप सभी जानते ही हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप सभी को पता है 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पेपर देने के बाद जो व्हाट्सएप के ऊपर एक पेपर वायरल हुआ था जिसमें 100 के आसपास क्वेश्चन थे, उसमें से 89 क्वेश्चन जो है वो हूबहू वही क्वेश्चन थे जो कि राजस्थान CHO ने पूछे थे। तो दोस्तों, पेपर तो लीक हुआ है ये तो आप सबको भली भांति पता है। अब क्या बात है, ऐसी क्या कारण है ऐसा कि पेपर जो है रद्द नहीं कर रही ना कोई फैसला दे रही है? तो चलिए उसी पर अपन बात करते हैं एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए। कि देखिए दोस्तों, राजस्थान CHO पेपर लीक पेपर आखिर क्या कारण है तो मैं आपको बता देता हूँ। 19 फरवरी को राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके तुरंत बाद यह न्यूज़ फैल गई सभी जगह कि पेपर लीक हो गया है। और वह न्यूज़ बिल्कुल सही भी थी कि पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चंस बाहर आए थे। आपको पता है दोस्तों, 87 क्वेश्चन जो है बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने मीडिया में जाकर जो इसके बारे में सारी जानकारी दी थी, यह सबसे बड़ी जो है बात साबित हुई इस भर्ती को लेट होने में। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये बात मीडिया तक नहीं जाती, सभी चैनलों में ये न्यूज़ नहीं चलती, तो आपको पता है अगर ये न्यूज़ नहीं चलती ना तो ज़्यादा आला अधिकारियों तक, ऊपर उच्च अधिकारियों तक ये न्यूज़ है नहीं जाती और इस मामले को जो है इतना बड़ा ये मामला नहीं बनता। दोस्तों, बोर्ड के हाथ में होता है, पेपर अगर लीक हुआ है तो उसको रद्द करना बोर्ड के हाथ में होता है। तो अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता, इतना कुछ नहीं हुआ होता, सभी तक ये न्यूज़ नहीं जाती, उच्च लेवल के अधिकारियों तक, सरकार तक ये न्यूज़ नहीं पहुँचती, तो क्या पता इस भर्ती का पेपर अब तक तो रद्द होकर दोबारा भी हो जाता। ऐसा हो सकता था, लेकिन आपको पता है कि सारी न्यूज़ है मीडिया में गई, लोगों को लेकर ले जाया गया मीडिया में, वहाँ पर उनसे ये बुलाया गया कि हाँ उनके पास पेपर आया था 7 बजे आया था, कोई भी बोलता है 8 बजे आया था, कोई बोलता है पेपर के बाद आया था, तो ये बातें बोली गई। ठीक है, आज वो लोग बस उस दिन उन्होंने बोल दिया उस मामले को, उन्होंने ऐसा बना दिया, उसके बाद से वो लोग आपको दोबारा नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे। और एग्जैक्ट रीज़न यही रहा है इस भर्ती को लेट होने में। तो अब दोस्तों, बात ये यहाँ तक पहुँच चुकी है इस भर्ती में कि ये फैसला अब सरकार को लेना है। और आपको पता है कोई भी चीज़ एक बार सरकार के संज्ञान में चली जाती है तो उस पर उच्च लेवल की जांच होती है, तो उसमें हो सकता है समय लग जाए, हो सकता नहीं, समय लगता ही है, डेफिनेटली है कि उसमें हो सकता है कि एक महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, हो सकता है सालों भी उसमें बीत जाए। तो दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ आपको, अब राजस्थान सरकार के संज्ञान में आ चुकी है। अब सरकार के संज्ञान में आने का मतलब है इसका निर्णय जो है वह राजस्थान सरकार ही करेगी। और आपको पता है कि सरकार का जो निर्णय हो सकता है उसमें 1 महीने में भी आ जाए और हो सकता है सालों भी लग जाए। तो दोस्तों, अगर यह गलती अगर नहीं की होती पहले कि मीडिया तक यह बात नहीं जाती और तो शायद इस भर्ती में भरत बेनीवाल भाई साहब अब तक इस भर्ती को रद्द करवा कर दोबारा भी करवा देते। भरत बेनीवाल भाई साहब CHO भर्ती के लिए हमेशा सभी का साथ देते आए हैं, वही है जो CHO भर्ती 2020 को भी उन्होंने पूरा करवाया और इस भर्ती को भी रद्द करवा कर दोबारा करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी भी इसके लिए जो है भरत बेनीवाल भाई साहब, आपने ट्वीट के माध्यम से देखा होगा, आपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से देखा होगा कि दिल्ली जाते हैं, वहाँ से लेटर है वो फॉरवर्ड करवाते हैं हर बार कि राजस्थान CHO का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया, राजस्थान CHO का पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ, जो भी है कोई निर्णय नहीं आया। तो
भारत सरकार की तरफ से भी जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है, ताकि इसलिए जो है ये मैटर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अब ये, कि अब समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा कि अब करे तो करे क्या, लेकिन गुप्त सूत्रों के हवाले से ये थोड़ी सी जानकारी हमारे तक लगी है कि पेपर रद्द होगा, लेकिन इस बात का हम खंडन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुप्त सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है कि पेपर जो है रद्द होगा, लेकिन कब होगा, कितना समय लग जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बात का हम पूरी तरीके से खंडन नहीं कर सकते, ये हमारा एक मात्र जो है अनुमान है। और राजस्थान संविदा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने लग जाओ दोस्तों, क्योंकि जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। लगभग 1588 प्लस पोस्ट या 1500 प्लस पोस्ट जो है 1600 के करीबन इसमें पोस्ट आने वाली है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, नोटिफिकेशन का वेट ना करो, ज़रूर आएगा डेफिनेटली, जो है जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म भी फिल हो जाएंगे और आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कम रह जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करने लग जाते हो तो। आप तैयारी कीजिए, हमारे YouTube चैनल पर आपको जो है संपूर्ण तैयारी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है करवाई जा रही है, इस भर्ती से रिलेटेड सारी कंप्लीट प्रिपरेशन की करवाई जा रही है। मेंबरशिप प्लान भी स्टार्ट हो चुका है हमारा, जिसमें लगभग 20 क्लास हो चुकी है, आप मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो है आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, आपको हमारे यूट्यूब पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान CHO पेपर, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए इसका जो है अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भर्ती राजस्थान सरकार के संज्ञान में चली गई है। अब राजस्थान सरकार को जब इस भर्ती से रिलेटेड कोई संपूर्ण जो तथ्य है वो जुटा लेगी, जो इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी, तभी कुछ जो है निर्णय आ सकता है, ठीक है। और जहाँ तक गुप्त सूत्रों की बात करें तो पेपर रद्द ही होगा, लेकिन अब उसमें कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते, और ये हमारी एक सिर्फ अवधारणा है। बाकी अगर इसका रिजल्ट आना होता तो अब तक आ जाता, बहुत ज़्यादा समय निकल गया है दोस्तों, रिजल्ट क्यों नहीं आया तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी बात ये भी चल रही है साथ साथ में कि हम एक बार जो है इसका टेंटेटिव रिजल्ट निकाल कर देखेंगे और फिर पता करेंगे कि जो है एवरेज से ज़्यादा किसके नंबर आ रहे हैं। ज़्यादा बच्चों के अगर आ रहे हैं तो हम सोचेंगे कि पेपर लीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। या तो इस पेपर को दोबारा करवा दो या फिर जल्दी से जल्दी अब रिजल्ट दे दो, क्योंकि बच्चों का अब जो है बहुत ज़्यादा जो है समय ख़राब हो रहा है। उनको जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए, हम नौकरी लग जाएं। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो ये चाहते हैं कि कैसे भी कर ये भर्ती रद्द हो जाए, ये पेपर दोबारा हो जाए ताकि हमें एक और मौका मिल जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखियो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो भी होगा सबके लिए अच्छा होगा, जैसा भी इसका जो फैसला आएगा उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों अभी राजस्थान CHO का जो पेपर की जो लीक हुआ था वो भर्ती इसलिए अटकी हुई है क्योंकि अब ये जो है बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ चुकी है। जब तक इसका संपूर्ण फैसला नहीं हो जाता अब तब तक जो है ये भर्ती पूरी नहीं हो सकती। तो आप जो है अगली भर्तियों की तैयारियां चालू कर दें, क्योंकि इसका जो होना होगा वो होगा। अब सरकार का फैसला है, आते आते ही आएगा, एकदम से नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, लेकिन जब सरकार चाहेगी तब इसका फैसला आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट, आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।